तो भाई राम राम। तो भाई हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार नहाने के लिए, और भाई उसके बाद जाएंगे हम ऋषिकेश, उसके बाद जाएंगे हम सीधा मंसूरी। तो हमारी पैकिंग होगी है गाड़ी में, और ये हमारा पूरा स्टाफ है जो जा रहा है। हेलो कर दो भाई, जय बोलेगी, जय बोलेगी। तो भाई हम लोग निकल रहे हैं अभी, और गाड़ी पूरी पैक कर दी हमने, ठीक है। तो निकल रहे हैं यहाँ से, तो बाकी भाई जो जो रास्ते में होता रहेगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और बहुत दिनों बाद जा रहे हैं भाई, 2-2.5 साल बाद, तो अपना प्यार बना के रखना भाई, ठीक है। और हमारे साथ देखते रहना, छोटे छोटे ब्लॉग बनाऊंगा 3-4 वहाँ के, राफ्टिंग वाफ्टिंग करेंगे, घूमेंगे, पहाड़ों में जाएंगे भाई, ठीक है। तो देखते रहना साथ साथ में भाई, ठीक है। अब हम लोग निकल रहे हैं, रात के हो रहे 11 बज चुके, तो 11 बजे हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है भाई। तो भाई हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, मेरठ क्रॉस कर लिया है, तो टोल टैक्स आ गया है, तो टोल टैक्स दे के फिर भाई सीधा हरिद्वार। हरिद्वार में भाई 2 डुबकी लगाएंगे, जो छोटे मोटे पाप करे भाई। तो बिट्टू कितने पाप करे, सही बताइयो भाई, बता रहे कितने। तो भाई अभी यहाँ बस यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, कोई अरे हुक्का नहीं, ठीक है भाई। तो टोल टैक्स दे दे एक बार जरा, फिर आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे, दर्शन करवाएंगे। ये भाई टोल टैक्स है, ये यूपी है भाई, अगर भग गए ना भाई पीछे कर लेंगे कमी नहीं। हाँ भैया कितने हो गए। तो भाई हमने गाड़ी रोक ली है रास्ते में, यहाँ से हरिद्वार है 48 किलोमीटर, क्योंकि थक गया हूँ मैं गाड़ी चलाते चलाते भाई, 2-2.5 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। और ये बाबूजी पीछे उतर गए, तो भाई यहाँ पे हम आए वैष्णो ढाबे पे भाई, तो अब कुछ खाना वाना खाएंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद सीधा भाई फिर निकलेंगे हरिद्वार। तो अभी छोटा मोटा थोड़ा बहुत खाएंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे हम। और जैसे जैसे होता रहेगा भाई आप लोगों को बताता रहूँगा, बाकी मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको ये रेस्टोरेंट। भाई यहाँ खाट वाट बिछी हुई है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद भाई निकलेंगे यहाँ से। तो भाई हमने खाना खा लिया है, खाना ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, और भाई छोटे से बजट में भाई आ जाता है। और भाई कुणाल खाना कैसा लगा भाई? ठीक ठाक। और भाई गांव के चौधरी देखते रहे आपको, खाना कैसा लगा? बढ़िया, एकदम। चले भाई भाई बिल्कुल टाइम हो रहा है एग्जिट 2:55, और हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार। तो चलते हैं फिर, दिखाएंगे आपको हरिद्वार। भोले बाबा की नगरी, विष्णु भगवान की नगरी भाई, सब दिखाएंगे आपको। खुल जा यार, हम आ गए हैं हरिद्वार। कितना प्यारा नज़ारा है, 4:30 बज रहे हैं, कितना मतलब अच्छा लग रहा है। अभी हम जाएंगे नहाने, थोड़ा सा दिन का वेट कर रहे हैं क्योंकि 4:30 बजे अभी। तो चलो घुमा के लाता हूँ तुम्हें हर की पौड़ी, बने रहना दोस्तों मेरे साथ में। तो गाइस हम लोग आ गए नहाने के लिए, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडा पानी है, देखते हैं भाई अभी जब नहाएंगे, जब आप लोगों को दिखाएंगे। अभी वो जगह देख रहे हैं कहीं खाली जगह मिले और उसमें हम लोग नहाएं। और ये भाई हमारे यहाँ के साधु संत लोग हैं, जो दे दे बेचारे खा लेते हैं, और कुछ नहीं है। बाकी भाई जगह ढूंढ रहे हैं, कोई जैसी जगह मिलेगी भाई कपड़े चेंज करेंगे और नहाएंगे। और ये आरती हो रही है भाई, जय गंगे मैया। तो गाइस मैं तो नहा लिया हूँ और ये लोग नहा रहे हैं, और यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए, ठीक है। नहा लिया, बहुत अच्छा लगा, ठंडा ठंडा पानी था, और ये देख लो कपड़े अभी तक चेंज नहीं करे। तो बस अब लोग निकल रहे हैं हम लोग ऋषिकेश के लिए, तो अभी ये लोग नहा रहे हैं, फिर नहा के निकल जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे ऋषिकेश, और आप लोगों को दिखाते रहेंगे हम साथ साथ में सारा कुछ जो भी है। ओके तो गाइस, कपड़े कर लिए हमने चेंज, और हम लोग हम निकल रहे हैं सीधा ऋषिकेश के लिए। यार नींद पूरी नहीं हो पाई है दोस्तों मेरी, तो हम लोग जाएंगे शायद शिवपुरी है वहाँ पे, तो वहीं पर ही हम लोगों को कैंप मिलेंगे मेरे ख्याल से। वहीं एक पैकेज है मेरे ख्याल से 1,500 का या 1,800 रुपये का, तो शायद फिर हम वो लोग लेंगे, क्योंकि वहाँ पर खाना भी मिल रहा है, उसके साथ में रहना भी मिल रहा है, और राफ्टिंग के लिए जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं शायद वो चीज़ें भी है उसमें।
तो देखते भी जाके पता करते हैं, बाकी जैसे सीन वीन होंगे पहाड़ वाड़ के जो भी होंगे और राफ्टिंग के जो भी होंगे मैं उसका भी ब्लॉग बनाता रहूंगा, साथ साथ में डालता रहूंगा। और कंटिन्यू भाई मैं जब तक मतलब दिल्ली में एंट्री नहीं कर लूंगा मैं कंटिन्यू ब्लॉग बनाता रहूंगा और डालता रहूंगा, ठीक है। तो भाई आप लोग देखते रहना, अपना प्यार बनाए रखना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखना यार सुबह सुबह आंखें देखियो, मतलब नींद पूरी नहीं हुई है भाई, तो अब जाके कोशिश करूंगा सोने की, ठीक है भाई। तो गाइस हम लोग ऋषिकेश के जंगलों में, तो यहाँ पे रोड पे कभी भी हाथी टाइगर वगैरह 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 निकल सकते कभी भी, तो बड़े ध्यान से जाना पड़ता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शिवपुरी, वहाँ पे मतलब राफ्टिंग भी करनी हमने और जाके थोड़ा रेस्ट करना है क्योंकि आंखों में नींद आ रही है हमारे। तो आप लोग बने रहो हमारे साथ भाई, बहुत बुरी हालत भी पड़ी है, पीछे देख लो दोनों सो गए हैं। और भाई मेरे को लगा लो रात भर गाड़ी चलाई है, सुबह भी चला रहा हूँ, अभी बस ये कि जाके बस किसी तरह से पहुँच जाऊँ, ये बस जाग रहा है। और जाते ही 3-4 घंटे की नींद लूँगा भाई, उसके बाद करेंगे जो भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये शिवपुरी है, पहाड़ वहाड़ है ये तो, और यहाँ पे हम लोग गए हैं और स्टाफ मेरा कुणाल अमन बात करने, कितने में हुआ कितने में हुआ। तो गाइस हम लोगों को मिल गया राफ्टिंग शिवपुरी में आके, बड़ी मुश्किल से मिली है, मुझे लगा 2-3 घंटे मुझे सोना है, लेकिन भाई अब एकदम अचानक मिल गई है। भाई भी कह रहे हैं भाई चल लो फटाफट करके आ जाते हैं, देख लो भाई। तो मैंने कहा चलो राफ्टिंग करके उसके बाद सो सा लेंगे, बाकी भाई आंखों की हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। तो देखते 12 किलो की राफ्टिंग है, तो उसका मैं भाई बनाऊंगा, सारी चीज़ें बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है भाई। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं राफ्टिंग के लिए, तो देखेंगे कैसी होगी भाई राफ्टिंग, पहली बार कर रहा हूँ मैं तो। और गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, ठंड है, हल्का हल्का ठंडा मौसम है। तो जितने भी दिल्ली वाले लोग हो, ऋषिकेश आओ, शिवपुरी आओ और राफ्टिंग करो भाई, जितने भी। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अपना सामान लेके और कपड़े चेंज करके, फिर हम लोग जा रहे हैं नीचे, फिर जैसे नीचे जाएंगे तो आप लोगों को हम ज़रूर दिखाएंगे। मैं भी तो पहली बार जा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसी लगती है कैसी नहीं लगती, तो आप लोगों को साथ में लेके जरूर चलूँगा। तो गाइस हम लोग आ गए नीचे और हमारी आ रही है वोट, और ये देख लो मज़ा आने वाला है एडवेंचर। तो चलते हैं, पहली बार चल रहे दोस्तों, तो देखते कैसा लगेगा कैसा होगा, ठीक है। और ये देख लो अच्छे अच्छे भूत बुलाए। तो गाइस ये नाव चल रही है और ये अभी लहर आने वाली है बहुत तगड़ी, अपन लोग है भाई देख लो सारे के सारे। ओ काट रही ये भाई है भाई साथ में, और अभी खतरनाक वो आने वाली है, तो लहर आने वाली है। तो भाई ने मेरे को बोला कि 2 मिनट मोबाइल चला लो, तो मैं इसलिए चला रहा हूँ भाई। और भाई पीछे हमारे भाई से शेयर कर लेंगे ना, और भाई ये देख लो भाई, भाई आपको भाई हरजीत मान ब्लॉग, हरजीत मान ब्लॉग भाई ब्लॉग, तो मैं ले रहा हूँ आपका, ठीक है। कहाँ से हो भाई आप? मेरठ से है भाई। मेरठ से कहाँ? कौन से गांव? साजापुर किठोर। किठोर भाई मैं खरखड़ी गाँव। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल जगह पे, और ये भाई सारे अपने, तो इसे पकड़ ले। तो भाई मजाक करते करते हम 12 किलोमीटर है भाई, 10 किलोमीटर आ चुके हैं, और ये भाई हमारे भाई जो लेके आए हमें, और भाई मजा आ गया बहुत अच्छा लगा। और भाई भैया ओम फो रस्सी पर छोड़ दियो भाई, एंजॉयमेंट करा हम लोगों ने भाई, जैसे कहते हैं। और ये भाई साहब मजे ले रहे भाई पूरे, और बाकी ये थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं, और मजाक
वो भैया एक बार क्या हो गया भैया, चले